वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शनिवार को नगर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय परिसर में लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का बखान करते हुए राजस्थान की वीर भूमि पर विपरीत परिस्थितियों में युद्ध के दौरान घास खाकर जीवन जीने और वीर योद्धा की तरह अपने प्राणों की आहुति देने वाले महाराणा प्रताप से मौजूदा दौर में सीख लेने की बात कही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप के शौर्य और रोमांच से भरे जीवन चरित्र को प्रदर्शित करती एडीए द्वारा पुष्कर घाटी मोड़ स्थित सांझी छत पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाने की मांग दोहराई। इस मौके पर बीएचपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेघवाल, महामंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया, बजरंग दल संयोजक लेखराज सिंह, शक्ति जैन, कैलाश भाटी, राजीव भारद्वाज, विक्रम गहलोत, प्रियंका जादव, अलका गौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर धूमधाम से मनाई और वीर शौर्य और त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप के संस्कार अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। साथ ही एडीए से मांग की गई जो वर्षों से अधूरा निर्माण कार्य पुष्कर घाटी में पड़ा है उसको तुरंत पूरा कराकर जो वहाँ गोदाम में मूर्ति पड़ी है महाराणा प्रताप की उसको स्थापित की जाए, अन्यथा बजरंग दल इसके लिए आंदोलन करेगा और स्वयं वह मूर्ति वहाँ से ले जाकर वहाँ स्थापित करेगा। आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ राजकीय महाविद्यालय एकत्रित हुए हैं। महाराणा को माल्यार्पण किया और नमन किया है। इसके पश्चात विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा तथा एडीए से आज हमने मांग की है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को शीघ्र स्थापित करे, अन्यथा ये काम हम कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से संपन्न करना होगा। वहीं महाविद्यालय परिसर में लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण का आयोजन किया गया। कॉलेज के सभी छात्र और व्याख्याताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य और साहस को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रुकता राष्ट्रीय और इतिहास संकलन समिति के द्वारा राजकीय महाविद्यालय में प्रताप जयंती समारोह पूर्व मनाई गई। प्रतिवर्ष रुकता राष्ट्रीय प्रताप जयंती को मनाता है क्योंकि हम ऐसे महापुरुष को याद करें जिसने राष्ट्रीय चेतना की अलग जगाई, जिन्होंने विदेशी आक्रांतों को देश से निकाल फेंका। तो ऐसे स्वाभिमानी प्रातस्मरणीय प्रताप को याद हम करें और उनके जो उन्होंने जो प्रेरणा दी उस प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाए, इस उद्देश्य को लेकर एक कार्यक्रम आज राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया। आज राजकीय महाविद्यालय में यूथ कांग्रेस और एनसीआई की तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, हर साल की भांति। और महाराणा प्रताप ने जिस तरह से दृढ़ संकल्प, एक ईमानदार और एक कठोर परिश्रम वाले, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए लड़े, ऐसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं और उनके राह पर चलने के लिए हम युवाओं को आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। इसी को लेकर के आज हर भांति की तरह हम लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई है, माल्यार्पण किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय एवं भारतीय इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को राजकीय महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा ने कहा कि राष्ट्र की भूमि एवं सत्ता को परिश्रम व शौर्य से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भारतीय इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर उपाध्याय ने महाराणा प्रताप की अदम्य शक्ति, सहृदयता, सांप्रदायिक एकता एवं सीमित संसाधनों में लक्ष्य को प्राप्त करना जैसे गुणों का विस्तृत परिचय दिया। डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय और भारतीय इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने महाराणा प्रताप जयंती आयोजित की है। इस अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। महाराणा प्रताप के मूर्ति पर अनावरण पर कर उसका माल्यार्पण किया गया है और साथ ही महाराणा प्रताप को जानो एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी विभिन्न महाविद्यालयों और विद्यालयों में। 850 विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया था, उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले विद्यार्थी को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। शनिवार को राजपूत छात्रावास में राजस्थान क्षत्रिय महासभा के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अरविंद सिंह मेवाड़ द्वारा संस्था को भेंट किए गए आदमकद चित्र का अनावरण किया गया, जिसे क्षत्रिय प्रतिभा शोध संस्थान के कार्यालय में स्थापित किया गया। इससे पूर्व कुंदन नगर राजपूत छात्रावास में पूर्व रेलवे भर्ती बोर्ड चेयरमैन हमीर सिंह मेजा की अध्यक्षता और एवीवीएनएल के एमडी बी राणावत के मुख्य आतिथ्य और राजस्व मंडल के सदस्य कान सिंह राठौड़ और वीके सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित समारोह में सभी वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य और अदम्य साहस की विवेचना करते हुए आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से सीख लेने के लिए मार्गदर्शन दिया। के तत्वाधान में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि बी राणावत साहब, अजमेर विद्युत वितरण निगम के जो चेयरमैन है वो पधारे हैं, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीके सिंह जी हैं,
और विशिष्ट अतिथि रणजीत सिंह जी ब्रिगेडियर साहब हैं, और इसी के तहत जो है हमारा एक महीने तक साफा बांधने की प्रतियोगिता और जोधपुरी साफा, गोल साफा, और इसी के साथ जो कैंप लगाए जाएंगे, कैंपों का आयोजन कल दिनांक 1 तारीख से शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक आयोजन होगा। स्टूडेंटों के लिए जो गर्ल्स और बॉयज के लिए भवनों का निर्माण चालू है, उसमें भी के बारे में और प्रोग्रेस करने के लिए आगे की मंजिलें तैयार की जाए, उस बारे में भी मीटिंग होगी, और कुछ दानदाताओं से पैसा आया हुआ उसको किस तरह से खर्च करना, ये प्रोग्राम चालू।